आहे जगतर नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। माय चैनल लिलीगिरी ब्लॉग फ्रेंड, कैसे आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं। अभी तो बारिश जैसे होगा मौसम कर रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए बने रहिए वीडियो पर, आपको पता चल जाएगा क्या होगा आगे। तो ये देखिए जी, ये कचरा माँ को साफ करना पड़ता है। ऊपर से जो पॉलीथीन वगैरह फेंक देते हैं, इधर उधर जो थोड़ा सा हवा आता है तो इधर उधर उड़ के ही हमारे पास आ जाता है। उसको माँ जला रही थी ऐसा, तो उनको लोगों को शर्म भी नहीं आती है सब करते हैं। तो मैं नहा धोकर तो ये आ गई थी किचन, और बेटी गर्म पानी पी रही थी। मैं इधर चावल भी बैठा दी हूँ, लेट हो गया था, 9:30 आसपास हो गया। देखिए जो घड़ी में भी दिखाई दे रहा है, और खुद क्या दिखा रही थी तो मैं देख रही थी। और सब्जी को ये देखिए सुबह कटिंग करती हूँ, टमाटर, जो पपीता, करेला, और ये था प्याज। नॉन वेज होने वाला है ना, इसीलिए प्याज को कट करके रख दी थी। और पपीता को ऐसे प्लेन जो प्याज लहसुन और मिर्ची के साथ चॉप लगा के खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है गर्मा गर्म। तो ये बहुत दिनों के बाद ही करी थी, क्योंकि हमारे पास जो पपीता की एक पेड़ था ना, उसको कटिंग कर दिए हैं, 2 दिन पहले ही कटिंग कर दिए, तो नीचे पड़ा हुआ था। तो उसको ऐसे ही खाने से अच्छा होता है। ये तो कोई जो वाला मतलब ये सब लोग तो खाएंगे ना, तो अच्छा भी लगता है। मेरे को तो बहुत पसंद है, बेटी को भी बहुत पसंद है। ऐसे उसको कटिंग करना भी टाइम लगता है। तो आज टाइम मिला, थोड़ा हस्बैंड भी हैं इसलिए कटिंग कर दी। तो मैं कैसे ठीक रही थी, थोड़ा थोड़ा मुझे मेरा गला बैठ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे गले से। तो और आज चूल्हा पर ही खाना बन रहा था, हस्बैंड भी है ऊपर से, ये तो आराम से करेंगे बैठ कर, अच्छा लगता है भी। और गोबर से लिपाई हो गया था, और माँ देखिए बैंगन के पौधे को खुदाई करके उसको हल्का कर रही थी। मेरे माँ आई तो मेरे बागान की काया ही पलट दिया है। मेरे माँ बागान को ऐसे बना दी है, अभी क्या बोले मैं, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है। वो कर रही है, देख लीजिए, जो खुदाई करती है और जो घास वगैरह होता है उसको फेंक रही थी। सुबह ऐसे जो चाय बिस्कुट खाकर ये सब कर रही थी। ऐसे लेट हो जाता है, मैं इसी बीच कपड़े को सुखाने के लिए जा रही थी, कपड़े को भी सुखा दूंगी। ऐसे कोई टाइम नहीं होता है, इस टाइम में ये करूंगी वो करूंगी, जब जो होता है मैं वही वाला सब कर लेती हूँ। तो कपड़े को भी सुखा रही थी ज़्यादा। और हमारा मौसम इधर क्या होता है, बारिश होने वाला, जो बादल बादल दिख रहा है, धूप तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मुझे ओह है, अचार बनाने के लिए उसको कट करके मैं सुखा दी हूँ, ले वो नहीं सूखी है एकदम से। तो देखते हैं, और 2 दिन है बारिश होगा ऐसे न्यूज आ रहा है। तो मौसम भी ऐसा हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। 1 वीक हो गया थोड़ा सा बारिश हुआ था, अभी नहीं। इसकी वजह से सर्दी जुकाम भी हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरा तो गला भी बैठा जैसा लग रहा है। तो आपको मेरे आवाज़ से ही पता चलता होगा। देखिए कपड़े को भी इसी बीच आप लोग के साथ बातें करते करते मेरे कपड़े को भी मैं सुखा दी हूँ। और मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा ऐसे ख़राब करना नहीं चाहिए जो कि हमारा तबीयत ख़राब हो जाए। इस टाइम तो गर्मी होना चाहिए। 1 वीक से ऊपर हो गया, एकदम बादल जैसा हुआ है, बिल्कुल भी धूप तेज नहीं है ऐसा है। और ओके मैं क्या बोलूँ, और काम भी बहुत कुछ करना है, रूम की सफाई वगैरह होता करना है, लेकिन इस मौसम की वजह से मुझे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ये देखिए चावल भी हो गया है, इधर मैं बना रही थी साग, और नॉन वेज वगैरह मैं बाहर ही मैं बनाऊंगी। सुबह का टाइम तो होता है किचन में हमारा, हम सारे औरतों का, सारे लेडीज़ का खाना बनाना, नाश्ता, ये सब तो करना पड़ेगा भाई, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। इस पेट के लिए सब कुछ तो करना पड़ता है सबको।
लेडीज क्या जेंट्स क्या सब पेट पे, जो दुनिया में क्या होता है जितना सब नाटक होता है इस पेट के लिए। तो ये साग मैं बना रही थी और मेरे पास तो बेटी हमेशा रहती है, इधर उधर मतलब बातें भी चलती है। और मैं क्या बोलूँ, मेरा गला भी खिचखिच कर रहा है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। बस और अभी मैं दे रही हूँ नाइट को। तो मुझे हमारे चैनल पर न्यू विजिट करते हैं, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और बेटी हमेशा मेरे साथ ऐसे लगती है जैसे सहेली जैसे मतलब होती है, बिहेव करती है, क्या बातें सत्य चल रहा था ऐसे। तो मैं उसका आवाज़ भी दे देती हूँ, इतना लॉन्ग वीडियो होता है लगभग कैसे लगता है हमारा चावल भी हो गया था। उतार दी हूँ और बाहर में टमाटर वगैरह बनाई थी और करेला का भाजी बनाई, इधर साग बनाई थी। और माँ भी दिखे उधर, माँ की भी वीडियो बना दी थी बेटी। ऐसे कोई तो मतलब कैमरा मैन होगा तो थोड़ा थोड़ा करके मैं वीडियो बना रही थी, ऐसे ट्राइपॉड में लगा कर मैं ही बनाती तो लॉन्ग वीडियो हो जाता है। तो ये नाश्ते करने से पहले ही ये सब कर ली थी और नाश्ते के बाद ही जो नॉन वेज वगैरह बनाई, उसके बाद तो हम लॉन्च किए थे रेस्ट करे। इवनिंग में चाय बना रही थी और हस्बैंड देखिए चाय, वो तो स्टील ग्लास में ही चाय पीते हैं, हम कप में पीते हैं, उनको स्टील ग्लास में ही देना होगा नहीं तो उनका ठंड हो जाता है। हमको भाई नहीं, हमको कप चाहिए, थोड़ा थोड़ा ठंड होना चाहिए। तो बाहर हम बैठकर चाय पी रहे थे बेटी माँ मैं क्या बातें बोल रही थी, उसका भी एक्टिंग था लेकिन आपको नहीं दिखाई ऐसा चलता है। तो ये हो गया था लगभग 4:30 से ऊपर हो गया था, हाँ 4:30 से ऊपर हो गया, 5 नहीं बजा था। और डगी भी बाहर था और मैं झाड़ू लगा रही थी बेटी कपड़े वगैरह, उस कपड़े था वो तो लेट में नहाती है, उसका कपड़ा लेट में और ले आई थी, ले आ रही थी। अरे ये देखिए क्यूटी ब्यूटी स्वीटी, उसकी अभी देखिए ड्रामा जो हिलता है ना, बड़े मज़ा आता है, बड़े अच्छे लगता है, बड़े मज़े करती है यार। अकवा सब से कथा कथु बड़े कर दी था ना, किए परितुणु थके गली मु तो इस बच्चे के साथ ही टाइम बीत जाता है देखिए। तो चलिए आज का ब्लॉग बस उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय क्यूटी पिक।